अच्छा, उसमें सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी थानों के पुलिस के जवानों की समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। आप लोग पीछे से निकल जाएं। सम्मेलन साधन भाई, बस राम भाई। आप लोग 68 पदों के लिए भर्ती एवं 33,043 पदों के लिए पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलित है। 4,692 अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनको पदक और सम्मान। डीजीपी साहब ने एक पहल की है जिसमें आप सबके लिए उन्होंने संदेश भेजा है, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। और साथ ही निर्णय के उपरांत की स्थितियाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम कावड़ मेला एवं महत्वपूर्ण पर्वों त्योहारों के अवसर पर इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, कुंभ से लेके पार्लियामेंट्री इलेक्शन से लेके आप देख रहे हैं अभी तक के सीएए तक के बहुत सारा इसमें एक इंसिडेंट्स रहा जिसको यूपी पुलिस ने बहुत अच्छे से निभाया और यूपी पुलिस की छवि, यूपी पुलिस की कार्यशैली इसमें परिलक्षित हुई है। और इन सब बातों को लेकर यह सैनिक सम्मेलन था और लोगों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं और पिछले साल की जो सीख है भूल चुके हैं उस पर प्रकाश डाला गया। सर, बीते साल की बात की तो गोरखपुर पुलिस ही चाहिए या अपराध के प्रमुख बनती है, उस पर काफ़ी गिरावट आई है, लगातार कई बारों से नंबर 1 चली। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरे यूपी में ही ये देखा गया है कि 28 से 30% तक की गिरावट, भारी भरकम जो अपराध हैं, चाहे वो लूट है, चाहे बलात्कार है, हत्या में लगभग 9-10% की गिरावट आई है। उसी तरह से गोरखपुर में भी जो रिकॉर्ड हैं वो काफ़ी सुधरे हैं। और रिकॉर्ड की बात नहीं है, जनता में जो परसेप्शन है, जनता में जो सुरक्षा की भावना है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जनता में भरोसा रहे और पुलिसकर्मी हमारा संबल प्रदान करते हुए